Hi guys, hello everyone. Good afternoon once again. Jai Hind once again and welcome once again in biology classes with Chandrakant sir. Student, as you already know that we are dealing the chapter body fluids and circulation. यानी सिंपल सी भाषा में हम बोलें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, अभी तक स्टूडेंट हम मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बता दिया था, ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया था. नाउ टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. सामने डायग्राम है, आप इसी से अंदाजा लगा चुके हो कि आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन दिस चैप्टर और बिगिन दिस टॉपिक यू कैन से. क्लियर, एक सजेशन मेरा स्टूडेंट है कि जब कभी भी आप वीडियो लेक्चर देखो आप एक कॉपी पेंसिल अपने पास लेके बैठो या नोटबुक और पेन अपने पास लेके बैठो और जरूरी पॉइंट्स को आप नोट करते जाओ. क्लियर, या फिर आप वीडियो को पास कर करके पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू. इससे आपको आसानी रहेगी पढ़ने में समझने में. क्लियर, एंड वी विल स्टिक टू द एनसीईआरटी. कुछ चीज़ें मैं जरूरत से ज़्यादा भी बताऊँगा बट कहीं ना कहीं से वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है. क्लियर, तो पहला इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस हम लोग बोलेंगे दैट इज द ओरिजिन ऑफ द हार्ट. ठीक है, हार्ट की ओरिजिन आप लिख सकते हो, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे दिस इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मैं यहां लिख दे रहा हूं. क्लियर, मीजोडर्मल इन ओरिजिन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर, तो एक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म होता है, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर देयर, उनमें से हार्ट की ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्म से होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आवर हार्ट इज मस्कुलर, मस्कुलर ऑर्गन. क्लियर, कैसा होता है, मस्कुलर है, ट्राइंगल यू शेप है. शेप कैसा है, ट्राइंगल, ऊपर ब्रॉडर होता है, नीचे थोड़ा सा कॉनिकल होता है. दिस इज द एपेक्स, ये हमारे हार्ट का एपेक्स है. दिस इज एपेक्स जो टॉप होता है. ठीक है ना स्टूडेंट, ट्राइंगल इन शेप हो गया. साइज कितनी होती है, द साइज ऑफ द हार्ट मेजर विद द फिस्ट, कौन सा क्लेंच्ड, बंद मुट्ठी के हिसाब. ठीक है ना, द साइज मेजर्स विद द साइज मेजर्स मेजर्स विद द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, सी एल ई एन सी एच डी क्लेंच्ड फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी के हिसाब से होती है. क्लियर, ना लोकेशन में बता दूं, ये तो जनरल चीज मैंने बताया, और भी कॉमन चीजें हैं, पिंकिश इन कलर आप लिख सकते हो, ट्रायंगल इन शेप हो गया पिंकिश इन कलर, गुलाबी रंग का होता है, दिस इज पिंकिश इन कलर, है ना, गुलाबी कलर का होता है. क्लियर, अब लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन. ठीक है, the student who have already studied about the heart, they know that heart is situated in the center of the chest cavity. Clear, and tilted towards the left side. लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो उनको अगर पूछोगे हार्ट क्या है तो बताएंगे इधर है, है ना, लेफ्ट साइड में, चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में दिखाएंगे. क्लियर, तो एक्चुअली पोजिशन क्या है आप देखो, दिस इज द पोजिशन, मैं बताऊँ आपको, ये दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना स्टूडेंट, दिस प्लेस, दिस इज द प्लेस ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट यहीं पे होता है. ठीक है ना, इस प्लेस को बोलते हैं मेडियस्टम. क्या बोलते हैं, मेडियस्टम, एम ई डी आई ए एस डी यू एम, मेडियस्टम. क्लियर, यानी द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम. यहाँ पे जो बोन है वो
हमारा जो चेस्ट में जो बोन होती है स्टर्नम बोन, उसके ठीक पीछे है ना, तो दोनों हमारे लंग्स के बीच में जो गैप होता है स्टूडेंट, वहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है, क्लियर। एंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो डायग्राम में आप साफ देख सकते हो ये टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, सो दैट इज वाई वी फील द हार्ट बीट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। वंस अगेन लिसन, आवर हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, क्लियर। सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी यहाँ पे है, ठीक है, लोअर पार्ट में चेस्ट कैविटी में। एंड इज इट्स लोअर पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, उसका नीचे वाला हिस्सा दैट इज पूरा वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, दैट इज वाई वी फील द हार्ट बीट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्लियर। नाउ इट्स क्लियर टू यू, लोकेशन आप समझ गए कहाँ पे है, क्लियर। और प्रोटेक्शन में देखोगे तो एक तो स्टर्नम प्रोटेक्ट करती है वाली बोन, और रिब्स होती हैं, है ना स्टूडेंट, यहाँ पे रिब्स भी हैं आप देख सकते हो ना, ये रिब्स होती हैं, रिब केज होता है, क्लियर, आपने पढ़ा होगा ना, स्केलेटल सिस्टम इज देयर। तो हार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड, बाहर से हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, एक तो रिब्स और स्टर्नम प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द पेरिकार्डियम, द कवरिंग ऑफ द हार्ट, क्लियर स्टूडेंट। आवर हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, याद रखिएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, क्लियर। अब नाउ दिस पेरिकार्डियम क्या है स्टूडेंट, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपली आप ऐसे बोलोगे कि इफ इट इज आवर हार्ट, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, तो हार्ट इज इनक्लोज इन अ चैम्बर जिसमें से देयर इज टू मेम्ब्रेन, एक तो ये जो पिंक से मैं बना रहा हूं दैट इज द विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, एंड अनदर इज कॉल्ड एज द पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, आप इस तरह से बोलो ये हमारा हार्ट है, दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट, क्लियर। एंड दीज टू आर द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दिस आउटर इज कॉल्ड एज द आउटर इज कॉल्ड एज द पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, क्लियर। और दूसरी वाली होती है इसको बोलते हैं विसरल, VISCERAL, विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, क्लियर। सो पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, पेराइटल पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है यहाँ पे, ठीक है, अ लिक्विड इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, आप बोल सकते हो, क्लियर, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्लियर। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा हार्ट एक तो रिब से है प्रोटेक्टेड है, स्टर्नम और रिब्स ने प्रोटेक्शन दे रखा है, नाउ इमीडिएट प्रोटेक्शन जो होता है वो पेरिकार्डियम का होता है, हार्ट के ठीक बाहर, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर इज देयर कॉल्ड इज पेरिकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, आपने देखा वन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन रिमेन्स अटैच, वो हमारे हार्ट से चिपकी रहती है, वन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दैट रिमेन्स अटैच टू द हार्ट, ठीक है, और जो दूसरी होती है वो थोड़े गैप में होती है दैट इज कॉल्ड एज द पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये हमारे थोरेसिक कैविटी से भी बंधी रहती है, क्लियर। एंड देयर इज अ फ्लूइड बिटवीन दीज टू, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्लियर। सो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड ये पेरिकार्डियम बनाता है, इट मेक्स द पेरिकार्डियम, क्लियर। काम क्या होता है पेरिकार्डियम का, प्रोटेक्शन, ठीक है, जर्क एंड मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्लियर, प्रोटेक्शन किससे, फ्रॉम जर्क एंड मैकेनिकल इंजरी और डेसिकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, देयर इज अ टर्म इन बायोलॉजी हम लोग यूज करते हैं डेसिकेशन,
DESICATION, ठीक है। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डेसिकेशन, मीन बाहरी आघात, बाहरी चोट। अगर आपने ऐसे मारा, किसी ने मारा, तो ये जो जर्क एंड मैकेनिकल इंजरी होती है, इससे पेरिकार्डियम हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पेरिकार्डियम। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। क्लियर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में हम लोग बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट। हम लोग पहले चैम्बर के बारे में बात करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द हार्ट चैम्बर। क्लियर? हार्ट चैम्बर। क्लियर? हार्ट चैम्बर्स। क्लियर स्टूडेंट? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट? देयर आर फोर चैम्बर। वी हैव फोर चैम्बर्स इन आवर हार्ट। क्लियर? फोर चैम्बर्स, ठीक। कौन कौन से? अपर टू दे आर कॉल्ड एज ऑट्रियम या ऑरिकल। ऑट्रियम या ऑरिकल, ठीक। एंड द लोअर टू, लोअर टू दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। क्लियर? ऑट्रियम सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है ऑट्रिया, ए टी आर आई ए, ऑट्रिया। तो डोंट बी कंफ्यूज, ऑट्रियम एंड ऑरिकल एक ही चीज है। ऑट्रियम सिंगुलर है, ऑट्रिया इज प्लूरल। ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो लेट अस सी हियर, आप देखो दीज अपर टू चैम्बर्स, ठीक है। मैंने एक साइड ब्लू बनाया, एक रेड बनाया। आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लू एंड द रेड, ठीक है। ये दो चैम्बर आप देख रहे हो स्टूडेंट, दीज टू चैम्बर्स दे आर कॉल्ड एज द ऑरिकल और द ऑट्रियम, एंड दीज लोअर टू दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। क्लियर? फंक्शन क्या है इसका, मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा, ठीक है। ऑरिकल का एक्चुअल मेन फंक्शन होता है, दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से सुन लो, ऑरिकल का मेन फंक्शन होता है टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये राइट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस साइड इज द राइट साइड, दिस साइड इज द लेफ्ट साइड, आप बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, इसको आप बोल सकते हो राइट ऑट्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट ऑट्रियम, आप ऐसे बोल दो। और ये क्या हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? सो ऑरिकल का मेन काम होता है दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है ना? राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? राइट ऑरिकल रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्लियर? एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये दोनों पल्मोनरी वेन होती है, दीज टू आर द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। स्टूडेंट ये वेन, दिस इज एक्सेप्शन बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दीज टू ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लेफ्ट ऑट्रियम में आती है। और ये आप देख रहे हो, दिस इज द ओपनिंग, आप ध्यान से देखो, दिस इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज द ओपनिंग, ये इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ पे ओपन करती है। इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, दीज आर द वेन्स, लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, एंड दे ब्रिंग द डी ऑक्सीजनेटेड, शरीर के विभिन्न भागों से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को लेके ये राइट ऑट्रियम में आती हैं। क्लियर? तो ऑट्रियम का काम हो गया ब्लड को रिसीव करना। राइट ऑट्रियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लेफ्ट ऑट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और इसको आगे भेज देता है। कहाँ पे? वेंट्रिकल में। राइट ऑट्रियम सेंड्स द ब्लड इन टू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम सेंड्स द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपने चारों चैम्बर का स्टूडेंट नाम देखा, ठीक है। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, अब वेंट्रिकल आपके सामने है, दीज टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑरिकल, वेंट्रिकल ऑरिकल से ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। राइट साइड वाला वेंट्रिकल राइट ऑट्रियम से ब्लड रिसीव करेगा, लेफ्ट साइड वाला ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल
वेंट्रिकल में जाता है। अब जब वेंट्रिकल पंप करते हैं तो ब्लड निकल के पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देयर इज द ओपनिंग, आप साथ साथ ये भी देखते जाओ, ठीक है। देयर इज द ये आप ब्लू वाला देखो, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस वन इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चली जाती है। आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट साइड के लंग्स में ले जाएगी ब्लड को और एक राइट साइड के लंग्स में ले जाएगी। और लंग्स में आपको पता है, आप पढ़े हो चैप्टर ब्रीदिंग वाला, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, क्लियर। तो देयर इज द ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में, किसकी ओपनिंग होगी, दिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल में किसकी ओपनिंग है, ये देखो, दिस इज द ओपनिंग ऑफ एओर्टा, ये एओर्टा है, देखो दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टा, A-O-R-T-A, aorta, largest artery, clear? ये देखो, आगे जाके फिर ये divided जो है सब arteries में divide हो जाती है, different different organ को blood लेके जाती है, clear? तो यहाँ पे आपने देख लिया चारों chamber के नाम, देख लिए कौन कौन सी blood vessels कहाँ open हो रही है, ये भी आपने देखा, ठीक है। superior vena cava and inferior vena cava, they open into the right atrium याद रखना, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन ओपन्स इनटू द लेफ्ट आट्रियम, क्लियर। देयर इज द ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग, ये आप देख रहे हो, ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है, ठीक है। ये दोनों वेना केवा की ओपनिंग है, क्लियर। और दिस इज द ओपनिंग, ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें ओपनिंग है किसका, आप देखो, दिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी भी एक्सेप्शन है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन बिकॉज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, इट कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, एओर्टा, ठीक है। ये एओर्टा हो गया, क्लियर स्टूडेंट। ये आपने देखा क्या, चारों चैम्बर के नाम आपने देख लिए और द ब्लड vessels which ओपन into different chambers, क्लियर। ये आपको जानना बहुत जरूरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि कौन सा ब्लड vessel कहाँ ओपन होता है, कौन सी ब्लड vessel किस तरह का ब्लड कैरी करती है, क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द septa, मैं आपको septa के बारे में बताता हूँ, ठीक है। septa या partition, क्लियर, हार्ट के चैम्बर में पार्टीशन है, ठीक है। हमारे हार्ट की या मेमेलियन हार्ट में या बर्ड के हार्ट में देखोगे स्टूडेंट, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एनीवेयर, ठीक है। मैं एक आउटलाइन डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखो और समझने की कोशिश करो, क्लियर। showing the four chambers of heart, clear? ये हो गया, अब देखो right atrium, ये हो गया left atrium, ये हो गया right ventricle, ये left ventricle, clear? So there is a septa between these two. इन दोनों के बीच में left right atrium और left atrium के बीच में there is a septa, ठीक है, and this is called as interauricular septum. Inter auricular septum, septum and this one is the, उसी तरह ventricle में क्या होता है, inter ventricular septum, clear? So what is the function of septum? The main function of septum is to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. Clear student, आप देखोगे right atrium का blood left में नहीं जाएगा, left atrium का blood right atrium में नहीं जाता है. उसी तरह से right ventricle का blood left ventricle में नहीं जाएगा और left का जो है right में नहीं जाता है. Clear? So ये partition है. यहाँ पे आपने देखो, मैंने label किया हुआ है
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर? और यहाँ पे छिप गया, पीछे दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो ये ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये सेप्टम हो गया, सेप्टम मीन्स पार्टीशन दीवार, दो कमरों के बीच की दीवार। अब उसी तरह से आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी एक तरह से सेप्टम होता है, दिस इज अ सेप्टम ऑल्सो, ये भी एक सेप्टम है, ठीक है? ये भी एक सेप्टम है, किसके बीच में सेप्टम है? आप बोलोगे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी दिस इज अ सेप्टम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर? यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये सेप्टम है, क्लियर? ये सेप्टम होता है यहां पे, क्लियर? एंड देयर इज अ ओपनिंग, यहां पे आप ओपनिंग देखोगे, ये ओपनिंग होती है, ठीक है? देयर इज एन ओपनिंग आल्सो, ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, जिसके थ्रू ऑट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, राइट ऑट्रियम का ब्लड, सॉरी लेफ्ट ऑट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इसी ओपनिंग से जाता है, क्लियर? और राइट ऑट्रियम का ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा इस ओपनिंग से, क्लियर स्टूडेंट? सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्या? दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड एज, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर ओपनिंग, क्लियर? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, क्लियर? तो ये मैंने सेप्टा के बारे में आपको बताया। द टू ऑट्रियम्स आर वेल सेपरेटेड बाई इंटर ऑरिकुलर और इंटर ऑट्रियल सेप्टम, द टू वेंट्रिकल्स आर अगेन वेल सेपरेटेड बाई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? उसी तरह से ऑरिकुलर वेंट्रिकल भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड रहता है, बट वहाँ पे ओपनिंग होती है, छेद होता है ना, हिंदी में छिद्र बोलते हैं, जिससे यहाँ का ब्लड ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, क्लियर? और सारे सेप्टम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, राइट ऑरिकल का ब्लड यहाँ नहीं जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है? राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट में नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट में नहीं जाएगा, क्लियर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, ठीक है? ये आपने देख लिया यहाँ पे सेप्टम के बारे में, ठीक है? इंटर ऑरिकुलर ओपनिंग के बारे में भी देख लिया। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द हार्ट वॉल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? अब हम लोग हार्ट वॉल के बारे में पढ़ते हैं। बीच बीच में आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, है ना? तो अब देखो ध्यान से, अब आगे हम लोग हार्ट वॉल्व के बारे में पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट वॉल्व। वॉल्व का काम क्या है? आप देखते हो साइकिल की ट्यूब में वॉल्व होता है, फुटबॉल के अंदर ब्लैडर में वॉल्व होता है, तो वॉल्व का काम क्या है? दे इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, ये हमेशा ब्लड को एक तरफ जाने देंगे, एंड दे ऑलवेज चेक देयर बैकवर्ड फ्लो, ठीक है? और वो उसके बैकवर्ड फ्लो को रोक देते हैं, क्लियर? वॉल्व दे इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड एंड दे चेक देयर बैकवर्ड फ्लो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटर ऑरिकुलर ओपनिंग की, जो सेप्टम होता है इसमें देखो देयर आर वॉल्व्स, ठीक है? स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा वॉल्व्स। So, the opening of auricle into ventricle in the right side, this is guarded by three valves and this is called as a tricuspid valve. इसको बोलते हैं हम लोग tricuspid valve, tricuspid valve. Clear? है ना? ये कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? ये right side में होता है, ठीक है ना? जो ओपनिंग राइट ऑरिकल की वेंट्रिकल में हो रही है उस ओपनिंग को गाइड कर रहा है, गाइड द ओपनिंग, ठीक है ना? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग टुवर्ड द राइट साइड, थ्री कस्प
कस्प मतलब होता है आप एक तरह से तो पल्ला या दरवाजा आप समझ सकते हो। क्रॉस सेक्शन जब हम काटेंगे तो हमें इस तरह से नजर आता है, देयर आर थ्री कस्प, एक दो और तीन, इस तरह से देयर आर थ्री फ्लैप्स, ठीक है। और इस साइड में आप देखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट साइड में, ठीक है ना, द ओपनिंग ऑफ राइट आट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये तीनों कस्प होते हैं। और जो दूसरा होता है दैट इज बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, एंड दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है, आप नोट करते रहना बीच बीच में, द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट आट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस ओपनिंग, ठीक है, इट इज गार्डेड बाय द वॉल्व कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वॉल्व, और दिस इज आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। यहां पे स्टूडेंट देयर आर टू कस्प, जैसे दरवाजे हम खोलते हैं ना, दो पल्ले वाला हैंडल दोनों तरफ खुल जाते, खोलेंगे दो दो पल्ले खुल जाते हैं, तो इसी तरह से होता है ट्राइकस्पिड में, दो ऐसे खुलेंगे और एक ऊपर खुलता है ना, उसी तरह से यहाँ पे है। तो सेक्शन में आप देखोगे इसको ऐसे दिखाया जाता है सेक्शन व्यू में, देयर आर टू कस्प ओनली, ऐसे ये है ना, दो कस्प है। क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो, है ना, तो बाइकस्पिड वॉल इट इज हियर, इट गाइड्स द ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ कौन सा, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग इन द लेफ्ट साइड, और ट्राइकस्पिड वॉल ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग जो राइट साइड में होती है इसको गाइड करता है, क्लियर। सो दीज विल अलाउ द ब्लड फ्रॉम टू पास फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल एंड दे चेक देयर बैकवर्ड फ्लो। ये जो दोनों वॉल्व होते हैं ऐसे बंद होंगे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे खुलेंगे फिर बंद होंगे, क्लियर, एंड दे इंश्योर द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को यहाँ से यहाँ आने देंगे, ठीक है ना, दे चेक देयर बैकवर्ड फ्लो, आने तो देंगे, दे विल अलाउ द ब्लड टू पास फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल बट दे चेक देयर बैकवर्ड फ्लो, इस तरह से बैकवर्ड फ्लो को ये रोक देते हैं। उसके बाद द ओपनिंग ऑफ, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द एओर्टा, सो द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इनटू द वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक है, इट इज गार्डेड बाय सेमी ल्यूनर वॉल, क्लियर। तो तीसरा जो वॉल्व होता है दैट इज द सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्लियर स्टूडेंट, सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्लियर। अब जब वॉल्व की बात हुई तो दे इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल, मैंने बोला ना दे इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, तो दीज वॉल्व, ये जो दोनों वॉल्व्स हैं दे विल अलाउ द ब्लड, दे विल अलाउ द ब्लड टू पास फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है, बट दे चेक देयर बैकवर्ड फ्लो, क्लियर। आप इसको देख लो, तो बना लो एक सेकंड, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो ये वॉल्व हो गया स्टूडेंट, नाउ यू नो अबाउट द वॉल्व्स, क्लियर। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द हार्ट साउंड, ठीक है, हार्ट साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लव एंड डब, देयर आर टू साउंड्स, लव, क्लियर, एंड डब, डी यू डबल वी, डब, क्लियर। तो याद रखिएगा, दिल धड़कने से आवाज नहीं आती है, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्व। दरवाजा बंद होता है तभी आवाज आती है, आप कभी दरवाजा बंद करके देखो आवाज आएगी, है ना। तो इन द सेम वे द फर्स्ट साउंड दैट इज कॉल्ड एज द लव एंड इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ दीज टू वॉल्व। ये दोनों वॉल्व एक साथ बंद होंगे, एक साथ खुलेंगे, सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व they produce the sound that is called as the lav, ठीक है ना, due to closure of bicuspid and tricuspid valve, tricuspid valves, clear student। और जो dub होता है second sound, ठीक है, जो second
आप बोलो धक 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 धक, है ना। तो थोड़ा पहला जो स्लो होता है दूसरे स्ट्रांग होता है। तो डब साउंड इज प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वॉल, ये आप याद रखिएगा, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल, क्लियर। सो लब एंड डब साउंड्स आर प्रोड्यूस, धक धक की जो आवाज होती है वो हार्ट के वॉल्व के बंद होने से होती है, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब। ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द डब द सेकंड साउंड इज प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्लियर स्टूडेंट। तो ये था स्ट्रक्चर अबाउट द हार्ट। इसमें बहुत सारी चीजें अभी हैं, हम लोग जब वॉल की बात करेंगे, वॉल हार्ट के वॉल की बात करेंगे। सो द वॉल, ये आप वॉल देख रहे हो, द वॉल ऑफ ऑरिकल इज थिन एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। ये देखो वेंट्रिकल की वॉल कितनी थिक मैंने बनाया हुआ है। सो व्हेन वी कंपेयर द थिकनेस ऑफ द हार्ट वॉल सो द वॉल ऑफ द ऑरिकल इज थिन एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स। बिकॉज रीजन क्या होता है, ऑरिकल दे रिसीव द ब्लड ओनली। ऑरिकल का काम होता है ब्लड रिसीव करना और पड़ोस में भेज देना, एक कमरे से दूसरे कमरे में भेज देना। तो लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड, है ना, कम प्रेशर से ही काम हो जाता है, क्लियर। बट आप देखोगे यहाँ पे इसकी वॉल जो होती है मोटी होती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर प्रेशर टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू सेंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड, दैट इज वाई द नेचर हैज मेड द वेंट्रिकुलर वॉल थिकर, ठीक है ना। और इन दोनों में भी हम कंपेयर करेंगे तो सबसे मोटी वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द थिकेस्ट वॉल इज दिस वन, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट वन, याद रखिएगा, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट वॉल, बिकॉज इट हैज टू एक्सर्ट वेरी हाई प्रेशर सो दैट द ब्लड कैन सेंड टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ भेजना है, केवल लंग्स में, तो थोड़ा पतला भी है तभी चलेगा, ठीक है ना। बट पूरी बॉडी में हेड टू टो, सिर तक और पैर के अंगूठे तक ब्लड पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए। सो द वॉल इज थिक, कौन सी वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक होती है, क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और ये आप देख रहे हो साइनोएट्रियल नोड, दिस इज द साइनोएट्रियल नोड, दिस इज द नोडल टिश्यू, ठीक है। दिस वन इज द नोडल टिश्यू एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। राइट ऑट्रियम है, राइट अपर कॉर्नर में आप देखोगे, राइट अपर कॉर्नर ऊपर देयर इज अ साइनोएट्रियल नोड, देयर इज अ साइनोएट्रियल नोड, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। साइनोएट्रियल नोड येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट, ये नोडल टिश्यू होता है। दिस इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, क्लियर। डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में क्यों पेसमेकर बोलते हैं, सिंपल अभी आप जान लो, बिकॉज इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर पूरे ऑट्रियम में फैल जाता है। देर इज अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। फिर वहाँ से आप देखोगे एक नोडल फाइबर ये आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज द नोडल फाइबर, ये फिर ए बी नोड पे जाता है, करंट को लेके आ रहा है। दिस इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसकी लोकेशन आप देखोगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द ऑट्रियम, ये नीट में पूछा जाता है, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द ऑट्रियम में ये है, ठीक है ना, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द ऑट्रियम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज द ए बी नोड, क्लियर। ये भी पावर हाउस ही है एक तरह से, ये बड़ा पावर हाउस, ये छोटा पावर हाउस, ठीक। तो यहाँ से करंट यहाँ जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से देखो दिस इज द ये फाइबर आप देखो येलो कलर से, ये पूरा एक फाइबर आप देखो। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर फाइबर, नोडल फाइबर, ठीक है। दिस इज द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोडल फाइबर, इट कैरीज द एक्शन पोटेंशियल टू द वेंट्रिकल, अब ले जाएगा वेंट्रिकल में आ रहा है। एंड दिस फाइबर इंटर्स इन द, ये देखो जो सेप्टम बना हुआ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इससे होते हुए पूरा लास्ट तक इसके टॉप तक जाएगा,
एंड बाइफर्केट्स इनटू टू, दो पार्ट में डिवाइड हो गया एंड दीज टू आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस्स। ठीक है, फिर ये बंडल ऑफ हिस्स लेफ्ट साइड में गया और राइट साइड में गया और पूरे वेंट्रिकल की वॉल को कवर कर लेता है एंड इट गिव राइज टू स्मॉल स्मॉल फाइबर्स। देख रहे हो छोटे छोटे फाइबर्स इससे ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड दीज स्मॉल स्मॉल फाइबर्स आर कॉल्ड एज द पर्किंजे फाइबर्स। यहाँ मैंने लिखा भी है पर्किंजे फाइबर्स। तो पर्किंजे फाइबर्स और ये दोनों बाइफर्केशन है, ये मिला के हम इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बंडल ऑफ हिस। क्लियर? इसका काम होता है क्या? एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करना। क्लियर? तो पर्किंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस दे स्प्रेड द एक्शन पोटेंशियल टू द मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? ये हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, हार्ट बीट जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे इसका जिक्र होगा कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर? ये आपने देखा। फिर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो येलो कलर से, है ना, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज दीगर कॉल्ड एज कार्डियक टेंडनी। ठीक है, एक तरफ ये आप देखो वॉल से बंधे रहते हैं, दूसरी तरफ से हार्ट की वॉल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, कार्डियक टेंडनी बोला जाता है, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये कार्डियक टेंडनी। ठीक है ना, देखो ये हार्ट की जो जो वॉल बोलते हैं ना, ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हार्ट की जो वॉल होती है उससे भी अटैच रहते, दे रिमेन अटैच। तो दे हेल्प इन क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल। आप सीधे से बोलोगे दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल। क्लियर? सो दिस इज द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस द अनदर चैप्टर, सॉरी अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम लोग को डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, कार्डियक साइकिल पढ़ना है, कार्डियक आउटपुट पढ़ना है, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ना है, हार्ट बीट पढ़ना है। ठीक है, ECG वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। क्लियर? सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नाउ। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की। आप स्टूडेंट वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिए। ठीक है, सो कीप वॉचिंग ऑन माई वीडियोज, लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Clear student? Thank you very much. Very soon I will meet with another video on another topic of this chapter. Have a nice day. Enjoy your day. Thank you.